नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। केड़कर हॉस्पिटल अकोला में, महाराष्ट्र, इंडिया में है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर या डेल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर मतलब अपनी हमारी भाषा में अगर बोले तो पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मेरे बॉडी का कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है, कोई ऐसा अवयव है जिसमें डिफेक्ट होने लगा है। ये बहुत ही कॉमनली दिखने लगता है आजकल और दिख भी रहा है, स्पेशली सेलिब्रिटीज में, जिम जो जाते हैं उनमें, बॉडी बिल्डर्स में, कॉलेज गोइंग लोगों में, और स्पेशली हाईली एजुकेटेड लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा पैमाने में दिख रहा है। शुरुआत में जब ये सिम्टम्स लेके आते हैं और वो पेशेंट्स अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स उनको अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियंस के पास लेके जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आराम नहीं मिलता और फिर वो घर पे आ जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम उनको बार 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 सताते रहती है। ये बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर जो है, इसमें वो व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि मेरा पर्टिकुलर कोई तो भी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो बराबर नहीं है, जो डिफेक्टिव है या कॉस्मेटिक वाइज बराबर काम नहीं कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिल्यूजन पेशेंट को होता है वो है नाक के बारे में। पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मेरा नाक बराबर नहीं है, मेरे होंठ बराबर नहीं है, मेरे गाल बराबर नहीं, मेरे बाल बराबर नहीं है, मेरी बॉडी बराबर नहीं है। कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेस्ट बराबर नहीं है। बहुत सारे ऐसे अलग 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 प्रकार के डिल्यूजन्स ऐसे वो व्यक्ति को होने लगते हैं। हाल ही में हमारे यहाँ एक पेशेंट आया था जो बोल रहा था कि मेरा नाक स्ट्रेट नहीं है, और उसको कंटिन्यूअसली वही बीमारी, वही विचार बार 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 आते हैं कि मेरा नाक बराबर नहीं है। वो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर के पास गया, कॉस्मेटिक सर्जन के पास गया, प्लास्टिक सर्जन के पास गया, प्लास्टिक सर्जन ने उनको कन्विंस किया, फिर भी वो व्यक्ति कन्विंस हुआ नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में या आपको खुद को अगर ऐसा बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर है तो आप जरूर साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लीजिए। ये एक प्रकार का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है। होता क्या है कि अगर हम ये बीमारी के तरफ दुर्लक्ष करते हैं या इग्नोर करते हैं तो ये बीमारी धीरे 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 बढ़ने लगती है और पेशेंट अपना संतुलन खोने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, पेशेंट की रिलेशनशिप जो है वो खराब हो सकती है, पेशेंट एंग्जाइटी में जा सकता है, पेशेंट जो काम कर रहा है वो कंप्लीटली बर्बाद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट पढ़ाई कर रहा है तो पेशेंट का पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता, पेशेंट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब होने लगती है, पेशेंट जो रिलेशनशिप है वो टूट जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स पेशेंट को होने लगते हैं। ये जो बीमारी है किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने बताया ये स्पेशली जो कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां उनमें ये बीमारी ज्यादा तक देखे जा सकती है। इसका ट्रीटमेंट है, डेफिनेटली है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मीकी वीडियो नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडि, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి।